अच्छा ये देखिए हमारी प्रिय मित्र ने अपने हस्बैंड के लिए बनाया है पिस्ता केक, और ये केक हमारे पार्टनर के लिए बना, आज उनका बर्थडे है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने बनाया है, इनकी वाइफ ने बनाया है। अच्छा वाइफ क्या है भाई? इनकी वाइफ। अच्छा हमको नहीं मालूम था अभी तक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नीते, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह मिशु, हां केक में है। ए तो भैया देखिए आज हम लोग आए हुए थे अपने फ्रेंड के यहाँ, ठीक है। हाँ मस्त उनका जन्मदिन मन गया है, केक वेक कट गया है। ये देखिए ब्लॉगर स्मिता और उनकी जो है फ्रेंड जो है केक वेक खा के मस्त पड़ गए हैं। हाँ और बना क्या? ये भैया चीज बॉल, ठीक है, इसको चीज में डुबा के खाइए। अच्छा ये देखिए ये रहा, ये है हमारा बड़े बॉय। बड़े बॉय 49 साल हो चुका है इसका, ठीक है, बस 50वां है। और ये देखिए ये इनके भाई साहब है जो 48वां पे है अभी। और ये है गिफ्ट, ये बर्थडे बॉय खोल रहा है गिफ्ट के अंदर। गिफ्ट क्या गिफ्ट मिला है? ये से क्या निकला पिटारा में से? मस्त देखिए मिस्कू का, मिस्कू को भी गिफ्ट मिला है। ये रहा मिस्कू का गिफ्ट। ये देखिए मिस्कू हमारी जो है ना पजल से तो मस्त खेल रही है। तो भैया एक और जन्मदिन का गिफ्ट है वो भी खुल रहा है अभी। चलो बर्थडे बॉय, ये निकाला और ये कवर है। कोई गेस? ग्लास का सामान है। गेस पॉट। अरे वो लग रहे फोन वोन आया है कुछ। अरे यार कितना डब्बा है यार, फिर एक डब्बा। भास्कर एक्सप्रेशन चेंज हो गया डब्बा देख के, किसी ने फोन तो नहीं दे दी। हाँ यार क्या भाई यूज़ तो होना चाहिए आज ही के आज। क्या है कॉकटेल शेकर? क्या बात है, क्या इक्विपमेंट है अपने आप में, सुपर। इसके अंदर बहुत सारे वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए बर्थडे से आ गए हैं, उनका बर्थडे हम लोग अच्छे से मना लिए, अपने पार्टनर का बर्थडे मना के घर आ चुके हैं। आज बहुत ही थक चुके हैं, अब ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में। तो मिलते हैं आप लोग से सुबह में फिर से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपको हमारा वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो प्लांट हमने लाए थे, ये छोटे वाले से बड़े वाले में हम ट्रांसफर कर दिए। इतने दिनों के बाद फाइनली मुझे जाके टाइम मिला ये करने के लिए, तो इसको ट्रांसफर कर दिए। ये धूप तो बिल्कुल ही नहीं है ऐसा लग रहा है। तो चलिए मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में और मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ब्रशेज का यूज कैसे करेंगे वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। तो तीनों ब्रश का यूज करके दिखाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्लीनिंग करके दिखाऊंगी बाथ टब को कैसे क्लीन करेंगे और कैसे उसका यूज करेंगे। तो चलिए इस क्लीनिंग आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे ये वाले। तो चलिए यहाँ पे हम बाथ टब क्लीन करने के लिए यहाँ पे ये इसका लिक्विड रखते हैं, विश का। यहाँ पे एक लिक्विड है जो हमारा टैब है और बेसिन है और बाथ टब है, सबको क्लीन करने के लिए यह है। और ये कल्क भी हटाता है, जो व्हाइटनेस जम जाता है उसको भी रिमूव करता है। तो चलिए, तो मैं बाथ टब का फर्स्ट टाइम क्लीनिंग करने वाली हूँ इस घर में, जब से आए हूँ तो फर्स्ट टाइम क्लीनिंग करने वाली हूँ।
यहाँ पे लिक्विड डाल दिए हैं, अब ब्रश का यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम नल वाला यूज कर रहे हैं अभी, ये वाला कॉर्नर और नल के लिए। नाउ यहाँ पे हम ऐड किए हैं ये वाला, हमारे बाथ टब को क्लीन करेगा। तो चलिए टाइल्स भी हमारा अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए ये कितने अच्छे से क्लीन कर दिया है पूरा, अच्छा है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर रेगुलर करते रहेंगे तो हमारा बाथ टब बहुत अच्छा शाइन करता रहेगा। चलिए ये तो हो गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये वाला का यूज करने वाली हूँ, जो नीचे का टाइल्स वगैरह है उसके लिए। इसमें भी हम थोड़ा लिक्विड डाल के छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा आपको ये जितना भी ये वाला है वो क्लीन कर देगा। देखिए तो मेरी बीवी क्या कर रही थी, करते हैं कहाँ बैठी हुई है लड़की ना, रुक के दिखा रहे हैं। ये देखिए और लड़की कहाँ है, उधर यहाँ पे अभी सूख रहा है। ये देखिए पूरा जो है ना टॉयलेट क्लीन किए हैं। कौन सा मशीन से? अच्छा जो है फर्स्ट टाइम टॉयलेट क्लीन किए हैं। तो ये बाथटब हो गया, बाथटब का दूसरा दिखाया, बेसिन का भी दिखा दिया। ये क्लीन तो किया है लेकिन क्या है ना, ये भी हम लोग सोचते हैं कि मशीन ले लेते हैं इजी है, ठीक है इजी है, ठीक है हाथ से रगड़ने से अच्छा है कि इजी है, लेकिन जब मशीन चलाते हैं तो इस पे प्रेशर पड़ता है। हाथ पे जोर लग ही रहा है ना, लग ही रहा है, क्योंकि अगर आप अगर ठीक से नहीं पकड़ेंगे तो आपका मशीन इधर से इधर इधर से उधर मूव होगा, फिर क्लीन नहीं होगा। तो इस पे हाथ पे जोर पड़ता ही है। क्लीन कैसा हुआ है? तो अभी देखिए व्हाइट हो रहा है, व्हाइट दिख रहा है, अभी तो सूख रहा है तो दिख रहा है ठीक है। चलिए चलिए ब्लॉगर उठिए, हो गया हो गया, अब रुपया क्लीन हो गया। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे और रिव्यू जरूर बताइएगा कैसा लगा। अगर आप लोगों को पसंद हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। तो देखिए कितना अच्छा से क्लीन हो जाता है पूरा। तो चलिए पहले बाल को सुखाते हैं क्योंकि बहुत ठंड है। तो बाल को सुखाने से पहले थोड़ा सा पूजा कर लिया जाए, तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं पूजा करते हैं। पूजा रूम में आते ही लाइट मस्त है, येलो कलर का ही, ये देखिए तो मस्त चमक जाता है एकदम पूजा रूम के। चलिए पूजा हो गया, चलिए हम अपना बाल सुखाते हैं। बाल सुखाने के बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में नीचे में। कहाँ है मेरी बीबी जी, थोड़ी देर। हम भी आ गए हैं। तो क्या हो रहा है? बाल सुखा रहे हैं। बाल सुखा रहे थे, बना क्या रहे ब्लॉग? खाली टाइम पास करते रहते हैं ना, काम वाम करते नहीं, खाली ब्लॉग ब्लॉग। ए भाई कभी हम पे बुआ पे भी ध्यान दे दो भाई, हम जा रहे हैं काम करने। चाय बना रहे? हाँ पिलाइए चाय। नहीं नहीं आप पिलाइए ना, मेरे पास टाइम नहीं है। इतना देर ये बीच बीच में ना, बस होम ऑफिस हुआ है ना तो होम ऑफिस नहीं होना चाहिए भाई, होम ऑफिस से एक साल से पका दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, बाल सुखा के चाय बनाते हैं, नहीं तो तंग तंग कर देंगे। तो चलिए